निस्वार्थ पक्षी परिंडा फिर से उपचार में आपका हार्दिक स्वागत। मैं निस्वार्थ पक्षी परिंडा फिर से उपचार का संयोजक घनश्याम कुमार एवं पक्षी रोग विशेषज्ञ घनश्याम कुमार बोल रहा हूँ। आज आपको राजस्थानी पंछी संरक्षण अभियान में आपको बता रहे हैं हर पक्षी की जानकारी, खान पान, घोंसला, उसका रहन सहन सभी जानकारियाँ दे रहे हैं। आज हम आपको दिखा रहे हैं नर कोयल। मादा और नर दो तरह की कोयल होती है। ये देखिए, ये कोयल है। कोयल का बिल्कुल रंग ब्लैक होता है, काला, जिसको और आंखें बिल्कुल लाल। ये देखिए आंखें, देख लीजिए इसकी। कोयल की खासियत है कि उसके आंखें बिल्कुल लाल और रंग काला, वो होता है नर। और अगर इसमें ब्राउन हो और हल्के हल्के धब्बे हो तो वो होती है मादा। चलिए आज आपको ये बता दिया। ये जंगलों में अधिकतर पाई जाती है, शहरी आवास में नहीं पाई जाती। इसकी खासियत यह है कि ये प्रजनन अंडे देती है मार्च, जनवरी, फरवरी, मार्च में। और ये अंडे कभी घोंसला स्वयं नहीं बनाती। ये घोंसला दूसरे के घोंसले में अंडे दिए हुए उनको गिरा के अपने अंडे दे देती है उसमें। और वो बेचारा दूसरा मासूम पक्षी अपने समझ के बच्चे उनको पालता रहता है। और जो ही आप देखते होंगे कि सावन भादो, इसमें कोयल बहुत चहकती नज़र आती है। इसका ये रीज़न ये नहीं कि वो प्राकृतिक चहकती है, नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। वो इसलिए कि उसको मालूम है कि अब मेरे बच्चे बड़े हो गए होंगे, किसी भी दूसरे पक्षी ने जिस क्षेत्र में उसने अंडे रखे हैं उसी क्षेत्र में वो ज़्यादा अपनी मधुर आवाज़ से गुंजन करती नज़र आएगी। और पंछियों में एक खासियत होती है कि वो एक दूसरे की आवाज़ के प्रति आकर्षित होते हैं। कोयल जो ही आवाज़ करती है उसका बच्चा पहले बड़ जो दूसरे पंछियों ने बड़ा किया है पाल पोस के, वो तुरंत उड़ के पास उसके आ जाता है और वो उसको लेके चले जाती है। इसलिए वो जब तक उसका बच्चा नहीं आता तब तक सावन भादों में अधिकतर अपने जहाँ पे भी अंडे रखे हैं वहाँ पे ये अपनी गुंजन देती है। इसके ऊंचाई पे अंडे होते हैं कौवे वगैरह के, उनमें अधिकतर ये इनको अपने अंडों को शिफ्ट करती है। इसके खान पान में ये देखिए, ये है बर्ड, पीपल, गुल्लर, जामुन, ये ऐसे फल, ये जो अपने तूत के, तूत सहतूत आते हैं उसके फल, ये फल ये खाती है। और छोटे मोटे कीड़े मकोड़े खाती है। निस्वार्थ पक्षी परिंडा फिर से उपचार के द्वारा हर पक्षी की जानकारी दी जाती है। आप हमारे चैनल से किसी भी पक्षी के रहन सहन, खान पान, इनकी जानकारी ले सकते हैं। हमारे नंबर हैं 9315-9081-9315-9084 पे। किसी भी प्रकार का पक्षियों के लिए दाने के सहयोग, पेटीएम, फ़ोनपे या किसी भी पक्षी संबंधी जानकारी लेना हो तो आप हमारे 9315-9081-9084 पे फ़ोन कर सकते हैं। धन्यवाद। मान हटाओ।